आज मैं आपको बताने वाला हूँ वीर नारायण सिंह के बारे में छत्तीसगढ़ के कैसे सपूत जिनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है कुछ भारतीय इतिहास के पन्नों में छत्तीसगढ़ के वीर सपूतों के बारे में उतनी जानकारी नहीं दी गई है जितनी देनी चाहिए आज मैं बताने वाला हूँ बेटल ऑफ सोना खान और उस वीर नारायण सिंह के बारे में जिसने अंग्रेज़ों को दहला दिया था कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों की नींव हिला दी थी तो देखते हैं इस वीर नारायण सिंह की स्टोरी के बारे में ये ये समय है अठारह के आसपास जब भारत में स्वतंत्रता संग्राम गूंज रहा था तो उससे पहले ही हमारे छत्तीसगढ़ में इसका बिगुल फूक दिया गया था कि हाँ भैया स्वतंत्रता संग्राम अब क्या कहते हैं चरम सीमा पर है ठीक है देखते हैं कहानी क्या है वीर नारायण सिंह जो है ये सोना खान के ज़मींदार हैं कहानी की शुरुआत देखते हैं सबसे पहले से कि इसकी हुई शुरुआत कैसे हुई तो जो वीर नारायण सिंह की कहानी मैं बताने वाला हूँ इसके बारे में थोड़ा परिचय मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो है एक जमींदार है सोना खान के जमींदार है कहाँ के जमींदार हैं ये सोना खान के जमींदार है सोना खान वर्तमान में किस जिले में है तो बलौदा बाजार में है ठीक है कारण क्या था नेतृत्व करीर नारायण सिंह कारण क्या था तो हुआ क्या था अठारह में अठारह में यहाँ इस क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में भीषण अकाल पड़ा था इतने ज्यादा अकाल पड़ गए थे कि लोगों के पास खाने के लिए संसाधन नहीं थे अनाज नहीं थे पानी पीने के लिए तक नहीं थे तो जो वीर नारायण सिंह के पास जो भी संसाधन थे उसने सबको बांट दिया था लेकिन अब वो देने के पास जब कुछ थे नहीं तो लोगों ने बताया कि आसपास के एक व्यक्ति है जिसका नाम है माखन साव माखन साव एक व्यापारी है कसडोल में जिसने अनाज को अपने गोदाम में बहुत सारे छिपा कर रखा था या कह सकते हैं उसको जमा करके रखा था और लोगों की सहायता वो कर नहीं रहा था वीर नारायण सिंह उसके पास जाता है और बोलता है कि मुझे कुछ समय के लिए ही जब तक स्थिति सुधर नहीं जाती तब तक मुझे आपके यहाँ से कुछ अनाज चाहिए ठीक है कुछ अनाज की बोरी चाहिए जैसे ही स्थिति संभल जाएगी मेरे पास अनाज के भंडार आ जाएंगे तो मैं आपको दे दूंगा ये बोल कर सिंह माखन के पास जाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे कुछ अनाज आप एक उधार के रूप में दे दीजिए अब जब नहीं देते हैं माखन माखन तो उनके गोदाम को उनके गोदाम से जो अनाज की बोरियाँ है उतना ही लूटा जाता है उतना ही लोग गरीबों को माँ जाता है जितना लोगों को जरूरत था लेकिन इसका फ़ायदा उठाता है माखनलाल लाल और जाकर बता देता है एफ आई आर दर्ज करवा देता है चाउस एडियट के पास अब एक कहानी से शुरू होती है अब इसको गिरफ्तार करने की घोषणा चालू हो जाती है तो देखते ये स्टोरी है तो कारण क्या है अठारह छप्पन में जो आ, अकाल पड़ा था तो माखन साव माखन साव कौन है माखन साव कसडोल का व्यापारी है किसी किसी बुक में करोड़ दिया हुआ है माखन साव कसडोल का व्यापारी है ठीक है और माखन सा कसडोल के व्यापारी के अनाज के गोदाम को लूटना यह क्या बन गया इनका कारण बन गया जो मुख्य मुख्य इसमें अधिकारी हैं उनके नाम में देता हूं तो जो मुख्य अधिकारी है उसमें एक अधिकारी नाम आता है जो मेन किरदार में है उसका नाम है चार्ल्स सी एलियट चार्ल्स सी एलियट यह इस समय छत्तीसगढ़ का डिप्टी कमिश्नर है रायपुर का क्या है ये डिप्टी कमिश्नर इसके अलावा एक और नाम आता है मिस्टर प्लाउडन मिस्टर प्लाउडन इसकी क्या भूमिका इसके बारे में बताते हैं ये एक्चुअल में नागपुर का कमिश्नर है नागपुर का क्या है कमिश्नर है चार्ल्स मिस्टर प्लाउडन के बिना मिस्टर प्लाउडन को बिना कुछ बताए कुछ काम नहीं करता था तो इसकी भी जिम्मेदारी एक एक महत्वपूर्ण भूमिका है इसी में आपका पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि किस पुलिस अधीक्षक ने 21 किस पुलिस अधिकारी ने सोना खान के ज़मींदार वीनारायण सिंह को गिरफ्तार किया था तो उसमें सबसे पहला नाम आता है कैप्टन स्मिथ और इसके साथ देने वाले व्यक्ति का नाम है नेपियर साथ देने वाले व्यक्ति का नाम क्या है नेपियर अब एक कहानी अभी से शुरू नहीं हुई है कहानी अठारह से चालू नहीं हुई है कहानी जो शुरू हुई है ये चालू हुई है, है चौदह से अब देखते हैं आप तो एक रूपरेखा देख लिए कि सोना खान के जमींदार वीर नारायण सिंह ने माखा लाल साहु के यहाँ से अनाज का गोदाम लूट लिया और उसका शिकायत किया गया उसके बाद कहानी कहानी यहाँ से बिल्कुल शुरू होती हम जाते हैं बहुत पहले पंद्रहवीं सदी के लास्ट में जाते हैं अब यहाँ से आपको जानना ज़रूरी है कि यहाँ क्या हो रहा है समझेंगे बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है लोग इस चीज़ को ज़्यादा देखते हैं इधर को नहीं देखते कि एक कहानी शुरू कहाँ से हुई है तो देखिए कल्चूरी वंश में एक राजा है कल्चूरी वंश में एक राजा है और उस राजा का नाम है बाहरेंद्र साय उस राजा का नाम क्या है बाहरेंद्र साय बाहर साय ने उसके पास सैनिक बहुत कम थे सेना सेना बहुत कम थे लोग बहुत कम थे तो बहरेन साय ने क्या किया वहीं आसपास के एक लोग जो बहुत फेमस था बिंझवार जनजाति का था उसका नाम था विसई ठाकुर नाम क्या है विसई ठाकुर विसई ठाकुर से उसने कुछ लोग जब भी युद्ध होता था जब भी साम्राज्य का विस्तार होना रहता था तो विषई ठाकुर पता जाता था बोलता था कि मुझे कुछ आदमी चाहिए आप हमारी सहायता करो तो इस तरीके से बहरेन शाह का सहायता विसई ठाकुर करते आ रहा था कई सालों से करते आ रहा करते आ रहा इसी बीच में इसकी सैनिक सेवा से खुश होकर बहरेन शाह ने चौदह सौ नौ ईस्वी में विसई ठाकुर को सोना खान दे दिया कौन सा खान दे दिया सोना खान इस सोना खान में इस सोना खान जमींदारी के अंतर्गत बारह गांव थे कितने गांव थे बारह गांव तो बीसई ठाकुर को सोना खान का जमींदार बना दिया गया कहानी यही खत्म नहीं होती उसने यह बोल दिया कि जब तक मेरा वंश रहेगा तब तक यह सोना खान कर मुक्त क्षेत्र है आपसे एक रुपया कर नहीं लिया जाएगा सोना खान कैसा क्षेत्र है कर मुक्त क्षेत्र है बस यही कहानी है अब कलचुरी वंश चला एक हजार से सत्रह इकतालीस तक सत्रह सौ इकतालीस में मराठा शासक आए माठा सा पहन नाम आता किनका बिंबाजी भोसले का बिंबाजी भोसले का बिंबाजी ने बोला कि भैया ठीक है आप कर उस समय से नहीं दे रहे तो अभी भी मतलब कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आपको मतलब सोना खान के उस समय जो भी जमींदार रहे होंगे उनको बोला गया कि आपको हमें इमारती लकड़ी और लाख इमारती लकड़ी और लाख देना पड़ेगा ठीक कोई दिक्कत नहीं दे देंगे और इस तरीके से बिंबा जी भोसले के बाद हम आगे चलते हैं ठीक है तो इसी तरह हम देखते हैं कि एक समय आता है कि अप्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन का हुकूमत होता है मराठा काल में अठारह सौ अठारह के बीच और अठारह में एक व्यक्ति विशेष आते हैं जिनका नाम है कैप्टन एग्न्यू नाम क्या है कैप्टन एग्न्यू अब यहाँ पास जो सोना खान के ज़मींदार हैं उनका नाम है रामसाय नाम क्या है रामसाय कैप्टन एग्न रामसाय के पास जाते हैं बोलते हैं भैया कर तो देना पड़ेगा भूल जाओ कलचुरी वंश भूल जाओ मराठा अब तो हमारा क्षेत्र है कर तो आपको देना ही पड़ेगा राम बोलते हैं नहीं देंगे हमारे वंशज नहीं देते हमारे पूर्वज देते नहीं है तो हम क्यों दें तो इनके बीच में यही एक विद्रोह होता है 1819 में राम साय का विद्रोह विद्रोह का नाम क्या है आपका राम साय का विद्रोह और इसमें एग्न्यू की जीत होती है और राम साय को विवश कर दिया जाता है कर देने के लिए बाध्य कर दिया जाता है लेकिन ये आपका क्या था अप्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन जिसकी हुकूमत अठारह से अठारह तक चलती है अब अठारह जब ब्रिटिश हुकूमत खत्म हो जाती है और पुनः माठा शासन आ जाती है तब देखते हैं कि इस समय 1830 में वीर नारायण जो राम साय है इनकी क्या हो जाती है मृत्यु हो जाती है अब राम साई की मृत्यु होने के बाद इसके बेटे का नाम जो है इसके बेटे का नाम है नारायण सिंह नाम क्या है इनके बेटे का नारायण सिंह सत्रह सौ पंचानवे में इनका जन्म होता है और पैंतीस वर्षीय उम्र में अठारह सौ तीस में राम साय इनके पिता की मृत्यु के पश्चात ये सोना खान जमींदार जो बनते हैं सोना सोना खान की जमींदारी इनके हाथ में आता है और ये बहुत अच्छा कुशल शासक थे इनके आसपास के जितने भी गांव थे उन पर इनका वर्चस्व था मतलब कह सकते हैं इनकी स्टोरी सुनेंगे तो लगेगा कि हाँ ये वाकई में एक के जी के रॉकी भाई जैसे रहे होंगे और इनके बारे में अब जानकारी ये है कि 1930 से उन्नीस सौ से अठारह तक इन्होंने अच्छे तरीके से सोना खान जमींदारी का कुशल पूर्वक शासन किया कर मुक्त राज्य था क्षेत्र था लेकिन अठारह में अब आ जाते हैं अंग्रेज अठारह में सबसे पहले डिप्टी कमिश्नर बन के आते हैं कौन चार्ल्स एलियट पहले से ही खटक रहे थे सोना खान क्षेत्र जहाँ से कर अंग्रेजों को नहीं मिलता था चार्ल्स एलियट को मौके की तलाश थी कि कब इसके खिलाफ कोई रिपोर्ट आए तो मैं सोना खान के जमींदार वीर नारायण सिंह को पकड़ूँ और वो मिल मौका मिल जाता है माखन लाल साहु के साथ ठीक है ये जो माखन साहु जो है ये अंग्रेज लोगों की एक तरह से चापलूसी या चमचा जासूसी करने वाला व्यक्ति है ठीक जिसने मौका देखते ही बता दिया चार्ल्स एलियट को कि हमारे यहाँ से इतनी गोदाम से इतने अनाज की चोरी हुई है अब इसकी कहानी को मैं थोड़ा सा और आगे लेके जाता हूँ जब वीर नारायण सिंह माखाला साहु के पास आए थे ना अनाज मांगने के लिए तो देने से मना कर दिए थे तब वीर नारायण सिंह ने चार्ल्स इलियट को एक चिट्ठी लिखा था और उसमें बताया था कि मैं अनाज के गोदाम को लूटने वाला हूँ या उनमें से जो भी अनाज है जो जरूरत के लायक है जितनी जरूरत है उतना मैं निकालने वाला हूँ ठीक है इसकी सूचना मैं आपको पहले से दे देता हूँ मतलब वीर नारायण सिंह ने चार्ल्स इलियट को पहले से ही पत्र के माध्यम से बता दिया था कि हम ये घटना करने वाले हैं लेकिन इसने चार सी ने उसे अनदेखी कर दिया और माखालाल साहु का एफ के बेस पर उसे चोरी का आरोप लगाया और जब वीरनारायण सिंह जगन्नाथ यात्रा करने के लिए जा रहे थे तो संबलपुर में संबलपुर में स्मिथ के द्वारा याद रखिएगा संबलपुर में स्मिथ के द्वारा उनको क्या कर लिया गया पकड़ लिया गया संबलपुर में स्मिथ के द्वारा उनसे उनको क्या कर लिया गया पकड़ लिया गया तो संबलपुर में स्मिथ के द्वारा क्या कर लिया गया पकड़ लिया गया कब गिरफ्तारी हुई तो ये डेट पूछता है आपसे आप इसका स्क्रीन शॉट ले लेंगे तो चार्ल्स इलियट के आदेश से मिस्टर स्मिथ ने नारायण सिंह को 24 अक्टूबर 1856 को गिरफ्तार कर लिया कहाँ से गिरफ्तार किया तो संबलपुर से गिरफ्तार किया था और कहाँ जाके कैद किया गया तो कैद किया गया उनको रायपुर में सोचिए मात्र चोरी का आरोप लगाया गया है और आठ महीने नौ महीने दस महीने हो गए इनको रिहा नहीं किया जा रहा है जेल में बहुत यातनाएं दी जा रही है रायपुर जेल के जितने सैनिक थे ये वीर नारायण सिंह को अपना नेता मान लिए और क्या फिल्मी स्टाइल में देखिएगा दस महीने चार दिन के बाद जेल से सुरंग बनाकर जेल से क्या बनाकर सुरंग बनाकर ये वहाँ से हो जाते हैं फरार जेल से सुरंग बनाकर ये क्या हो जाते हैं वहाँ से फरार किसी किसी बुक में इसे 27 अक्टूबर को 28 अक्टूबर दिया है सो 28 अगस्त को 27 अगस्त दिया है और बहुत सारी बुक में जो डेट में लिख रहा हूँ 27 अगस्त दिया है तो 27 अगस्त अठारह तावन को ये रायपुर के जेल से फरार हो जाते हैं क्या बनाकर सुरंग बनाकर ये वहां से क्या हो गए फरार हो गए फरार होने के बाद देखिए कितना खतरनाक इंसान है फरार होने के बाद पहुंचते हैं सोना खान सोना खान ने पांच सौ बंदूकधारी सैनिक का निर्माण कर दिया 500 सौ बंदूकधारी उस समय अठारह के बाद की बात हो रही है कैसा इंसान रहा होगा के से भी खतरनाक ठीक तो अठारह में इन्होंने आपके पाँच सौ बंदूकधारी सनी का ईमार कर दिया और चार्ल्स इजट के खिलाफ मतलब एक विद्रोह का ऐलान कर दिया अब चार्ल्स इजट को जैसे पता चला कि इंसान जेल से निकल चुका है और मेरे खिलाफ़ हो चुका है तो इसने स्मिथ इस को बोला कि भैया उसको पकड़ के लाओ नहीं पकड़ के लाओगे तो आना ही मत स्मिथ गया अपने दोस्त नेपियर के साथ और डरते डरते पहुंचा खरौत के रास्ते सोना खान अब यहाँ पास कहानी शुरू होती फिर से जब ये स्मिथ और नेपियर पहुंचते हैं खरौद खरौद क्यों जाते हैं डाइट क्यों नहीं गए क्योंकि रास्ता उस समय जंगल पूरा सोनाखान जंगलों से घिरा हुआ था रास्ता पता ही था स्मिथ को और उसी क्षेत्र से जा रहे थे जिस क्षेत्र में उनके खुद के आदमी हो खरौद में उस समय इनकी खुद की पुलिस स्टेशन था जो जब जाते हैं खरौद तो वहाँ पुलिस स्टेशन में रुकते हैं और रुकने के बाद यहाँ एक घटना घट जाती है वीरनारायण सिंह की कहानी कुछ और होती लेकिन उसने एक गलती कर दिया कहते हैं कि अपनी ताकत और अपनी कमजोरी को बतानी चाहिए वीरनारायण सिंह ने अपनी ताकत बताकर यहाँ पास गलती कर दिया एक घुड़सवार व्यक्ति स्मिथ के पास आता है और बोलता है कि ये चिट्ठी देकर चला जाता है चिट्ठी में लिखा रहता है कि मेरी लड़ाई आपसे नहीं है चार्ल्स इलियट से है आप अपनी सेना लेकर चले जाइए वरना मारे जाओगे क्योंकि मेरे पास 500 से अधिक सैनिक है स्मिथ को जब पता चलता है कि उनके पास 500 से अधिक सैनिक है वो डर जाता है क्योंकि उसके पास सेना ज्यादा थे नहीं तो अब दिमाग लगाता है अंग्रेजों के पास दिमाग की कमी थी नहीं दिमाग क्या लगाता है अब जो वी नारायण सिंह के दुश्मन थे वो उनको खोजता है तो उनके दुश्मन दुश्मन कौन रहेंगे भैया उनके खुद के सगे संबंधी तो यहाँ पास एक फिर से वाक्य सामने आता है कि स्मिथ ने जो स्मिथ इस है इसने देवरी की जमींदारी देवरी के जमींदार से सहायता ली और उसका नाम है महाराज साय उसका नाम क्या है महाराज साय ये रिश्ते में नारायण सिंह के एक चाचा है लेकिन एक पूर्वज से ही उनकी शत्रुता मतलब क्षेत्र को लेकर बनी हुई है तो महाराज साहे फुल सपोर्ट कर रहे हैं स्मिथ की जो खिसके जमींदार है कभी किसके जमींदार जमिन, हैं देवरी के इसके अलावा कटंगी क्षेत्र के भी जमींदार इनकी सहायता करेंगे भड़गांव के भी जमींदार इनकी सहायता करेंगे बिलाईगढ़ के जमींदार भी इसकी सहायता करते हैं ठीक है और किसी किसी बुक में शिवरी नारायण के जमींदार को भी उल्लेख इसमें है ठीक तो पांच जमींदार एग्जाम में देवरी कटंगी भटगांव बिलाईगढ़ और शिव ये नाम आपको याद रखना है जब इनका सपोर्ट मिला इनकी जमींदारी जो ये जमींदार जब इनका सपोर्ट करते हैं स्मित तो इनकी सेना बहुत बड़ी हो जाती है और महाराज शायद जो चाचा है वीर सिंह के रिश्ते में उनके दिखाए हुए रिश्ते के अनुसार रास्ते के अनुसार जब वो पहुँचते हैं एक दिसंबर को पहुँचते हैं सोना खान कब पहुँचते हैं एक दिसंबर को पहुँचते हैं सोना खान इधर वीर नारायण सिंह को पता चल चुका था कि हमारे ही गद्दार रिश्तेदार जो हैं गद्दार निकले और उन्होंने स्मिथ को रास्ता दिखाया और पहुँचने वाले हैं सोना खान के लोगों को वीर नारायण सिंह ने पूरे सोना खान के लोगों को संबलपुर की ओर भेज दिया था संबलपुर में उनके रिश्तेदार रहते थे उनके खुद के बेटे जो है गोविंद साय ठीक गोविंद सिंह को उनको भेज दिया था पूरा जो सोना खान था वो पूरी तरीके से क्या था खाली था स्मित जब वहां पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ कोई नहीं है और जो वीर नारायण सिंह की सेना है एक पहाड़ के पीछे छिपे हुए रहते हैं घात लगा के छिपे रहते हैं कि जब वीर नारायण स्मित की सेना आएगी तो हम उस पर ढाबा डोलेंगे ढाबा बोलेंगे अब होता क्या है कि जब पहुंचते हैं स्मिथ की सेना तो गांव में जब किसी को नहीं देखते तो पूरे गांव में आग लगा देते हैं जब पूरे गांव में जब आग लगा देते हैं तो इससे बौखलाकर वीनारायण सिंह और उनकी जो सेना है वो ऊपर से फायरिंग करते हैं और इधर से वी स्मिथ की भी सेना फायरिंग करती है वीर सिंह को ज़रा सा भी एहसास नहीं था कि इनकी सेना इतनी बड़ी है जब उनको लगता है कि धीरे धीरे उनका जो पड़ है वो कम होते जा रहा है और उनकी सेना वो जो उनकी जो सैनिक है अन्य जो सैनिक है वो मारे जा रहे हैं दोनों तरफ से फायरिंग हुई दोनों तरफ से लोग मर रहे थे तो जब वी नारायण सिंह लगता है कि मेरी जो दोस्त है मेरे जो सैनिक है वो मारे जा रहे हैं तो दो दिसंबर को एग्जाम पूछता है एग्जाम में याद रखना दो दिसंबर को वी नारायण सिंह आत्मसमर्पण कर देते हैं आत्मसमर्पण कर देते हैं आत्मसमर्पण कर देते हैं और पांच दिसंबर को उनको चार्ल्स इलेट के साथ पेश किया जाता है चार्ल्स इलेट उस पर देश पर देश का आरोप लगाकर उनको फांसी की सज़ा सुनाते हैं और 10 दिसंबर याद रखिए रेट को 10 दिसंबर अठारह को 10 दिसंबर अठारह को रायपुर के जय स्तंभ चौक में नारायण सिंह को फांसी दी जाती है और बहुत सारे बुक में ये भी लिखा है कि लोगों में दहशत पैदा हो इसलिए फांसी देने के बाद उनको तोप से उड़ा दिया जाता है तो ये कहानी है वीर नारायण सिंह की रुके रुके अभी कहानी खत्म नहीं हुई है वीर नारायण सिंह जिस वीर गति को प्राप्त होते हैं उसके बाद की कहानी ये है कि गोविंद सिंह जो उनका बेटा है वीर नारायण सिंह का ये संबलपुर के जो शासक हैं ठीक है शासक कह सकते हैं सुरेंद्र शाह ठीक है जो भी जेल से निकले ही थे उनके साथ मिल जाते हैं और अपने क्षेत्र में आते हैं सोना खान क्षेत्र में संभवतः अंग्रेजों ने उस सोना खान क्षेत्र को महाराज साहब को दे दिया था क्योंकि उन्होंने उनकी सहायता की थी जब देखते हैं सुरेंद्र सुरेंद्र शाय और गोविंद सिंह की सोना खान में महाराज साहब बैठा हुआ है तो गोविंद सिंह महाराज साहब को पूरी तरीके से मारते हैं टुकड़े टुकड़े कर देते हैं उसके बाद ये फिल्म क्या होती है ख़त्म होती है इसी के भी हाँ में देखते हैं कि अंग्रेजों ने जिस कूटनीति पूर्वक से वीर नारायण सिंह को अपने जाल में फंसाया था और जिस तरीके से इन लोगों इन लोगों ने अंग्रेज को अंग्रेज का सहायता दिया था इसके बाद घटना ये घटती है कि अंग्रेज़ों ने बोला था कि यार सोचा था कि फांसी लगा देंगे तोप सु देंगे तो अब कोई क्रांतिकारी पैदा नहीं होगा क्रांतिकारी अब और उभर के सामने आते हैं क्रांतिकारी अब और उभर के सामने आते हैं और इसी कड़ी में जब इतनी सारी हर जगह आंदोलन होता है तो रायपुर के जो डिप्टी कमिश्नर है वो मिस्टर प्लाउडर जिसके बारे में बताया था उसे बोलते हैं कि इस क्षेत्र में तो क्रांतिकारी बहुत बढ़ रहे। आप कुछ ना कुछ सहायता कीजिए तो वहाँ से तीसरी रेजिमेंट का एक दस्ता, जो सैनिक का आपका टुकड़ी है वो नागपुर से रायपुर हुए जाता है जिसमें रहते हैं हनुमान सिंह और इसी कहानी हम लोग देखेंगे हनुमान सिंह की कहानी नेक्स्ट वीडियो में आपको ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा इस तरीके से वीर नारायण सिंह की कहानी के बारे में हमने जाना और मैं चाहता हूँ कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सब शेयर करें ताकि आप अपने जो राज्य है छत्तीसगढ़ भूमि है उसमें ऐसे भी लोग थे इनके बारे में आपको जानकर गौरवान्वित महसूस हो ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ थैंक यू सो मच